नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जामताड़ा में नाबालिग लड़की ने शिक्षक पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। इसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को बंधक बना लिया। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। घटना बागडेडी थाना इलाके की है। घटना के बाबत पीड़िता ने बताया कि गांव के सरकारी स्कूल के चापानल पर वह पानी लेने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने उसे कमरे में बुलाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसके द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीण स्कूल में जुटे और भाग रहे शिक्षक को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने शिक्षक की पिटाई भी कर दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक कृत्यानंद झा को ग्रामीणों को कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ थाना ले गए। गांव के मुखिया और ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ इस सिलसिले में केस दर्ज कराया है। पिता ने बताया कि उनकी बेटी खेत जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में पानी लेने के लिए स्कूल परिसर में चली गई। उसे अकेला देखकर स्कूल में मौजूद शिक्षक ने उसे कमरे में बुलाया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। बच्ची ने हल्ला किया तो ग्रामीणों ने शिक्षक को बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।